काफी ब्यूटीफुल सॉन्ग आया है यू एंड हनी सिंह, एंड बहुत ही काफी तारीफ हो रही है जिस तरह से व्यू आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो बताइए कि कैसा रहा एक्सपीरियंस, इतनी ब्यूटीफुल लोकेशन है, हनी सिंह यू काफी तारीफ हो रही है इस गाने पर। जी धन्यवाद ढेर सारा। अभी हमारा गाना नंबर वन ट्रेंडिंग पे चल रहा है, सो ऐसे ही प्यार देते रहिए और कीप शेयरिंग कीप लविंग आर लेटेस्ट सॉन्ग विकड़िया हीरा, इट्स विद यू यू हनी सिंह। 10 साल पहले फर्स्ट ट्रैक आया था, उसका सीक्वल है लव डू, उसका सीक्वल बेसिकली 10 साल के बाद रिलीज़ हो रहा है। सो कीप लविंग कीप शेयरिंग एंड इट्स स्टिल ट्रेंडिंग इन मल्टीपल कंट्रीज, मोर देन 20+ कंट्रीज, सो इट्स अ वेरी हैप्पी मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। थैंक यू। काफ़ी तारीफ हो रही है जी। आई थिंक द फीलिंग्स आर लाइकवाइज, जैसे इवन आई फील कि वो भी बहुत बेहतरीन डांसर हैं और ब्लू आई से ज़्यादा उन्होंने इस गाने में डांस किया है, सो ही अप्रिशिएटिंग माई डांसिंग स्किल्स आई थिंक इन द सेम मैनर, इवन आई लव हिज डांसिंग स्किल्स, सो इट्स लाइक अ यू नो इट इज़ अ ट्रीट टू वॉच हिम डांस। जी फर्स्ट एक्सपीरियंस ही बहुत ज़्यादा अच्छा था 10 साल पहले, ये वाला और भी ज़्यादा अच्छा था, और इट टेक्स अ लॉट ऑफ गट्स कि जिस तरीके से यू नो ही वाज नॉट वेल, बीच में वो बीमार हो गए थे और फिर वो इतना बढ़िया यू नो अपने फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन बॉडी बना के आए हैं, इट्स कम्प्लीटली सो इम्प्रेसिव, और सब कुछ जितना पहले एक्सपीरियंस था उससे कई ज़्यादा अच्छा इस बार का एक्सपीरियंस था। जी हाँ, सब उसका वेट कर रहे थे और वो जो इतना प्यार लाइक वो स्टिल ही हैज़ अ वेरी लॉयल फैन बेस और तब से लोग अभी तक वेट कर रहे हैं और हमेशा कहीं ना कहीं यू नो उनको बहुत इमोशनल अटैचमेंट है फैंस का उनके साथ, तो वो दिख भी रहा है बिकॉज वी आर ट्रेंडिंग ऑन अ बॉन स्पॉट एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी, और तो ऐसे ही प्यार देते रहिए। यू हनी सिंह बादशाह दोनों अपनी अपनी जगह में दोनों ही बेहतरीन हैं, दोनों बेस्ट हैं, ऐसे दो आर्टिस्ट को कंपेयर करना मेरे हिसाब से सही नहीं है, दोनों अपनी अपनी जगह बेस्ट हैं। एक एक्टर और आर्टिस्ट होने के नाते बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलती हैं, सो हनी सिंह या फिर बादशाह से दोनों आर्टिस्ट लोगों से क्या? यू हनी सिंह से मैंने सीखा है हाउ टू बी जिंदा दिल, वो मैंने बहुत सीखा। बादशाह जो हैं उनसे सीखा कि क्रिएटिविटी, हाउ टू एक्सेल इन योर क्रिएटिविटी। इन फ्यूचर में मतलब एब्सोल्युटली दोनों तो है, बट इन फ्यूचर में क्या आपके फैंस आपका पूरा सोलो जो आपने कंपोज किया वो म्यूजिक उनको देखेंगे? होपफुली फॉर श्योर वेरी सून इन द फ्यूचर, यस। ओके डन, थैंक यू थैंक यू जी, थैंक यू।